बिहार के दानापुर बक्सर रेलवे स्टेशन के बीच कारी सात रेलवे स्टेशन से गुजर रही होली स्पेशल ट्रेन में मंगलवार देर रात आग लग गई। चलती ट्रेन में आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। इस होली स्पेशल ट्रेन के एक एसी कोच में आग की लपटें उठी और फिर देखते ही देखते पूरी एसी बॉगी आग की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन बॉगियों में आग लगी वो लगभग खाली थी। ऐसे में होली की रात को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि कारी सात स्टेशन के पास दानापुर से महाराष्ट्र के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही होली स्पेशल ट्रेन में अचानक 26 मार्च की देर रात को आग लग गई। दानापुर से होली स्पेशल ट्रेन मंगलवार रात करीब 11:12 पर चली थी। आरा से ट्रेन जब बक्सर के लिए रवाना हुई तो कारी सात स्टेशन के पास अचानक ट्रेन की ACM9 इकोनॉमी बॉगी आग की चपेट में आ गई। कोच से चिंगारी अचानक उठने लगी और देखते ही देखते पूरी बॉगी आग की जद में आ गई। घटना के बारे में एक रेलवे अधिकारी ने बताया है कि इस रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। आपने देखा है एक कोच में कल धुएं और आग की खबर थी तो तुरंत ही उस कोच को आइसोलेट किया गया हमारे सारे कर्मचारियों द्वारा और आइसोलेट करके उस आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड की बहुत सारी गाड़ियां स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। हालांकि वहां पे एक्सेस काफ़ी दुरूह था लेकिन फिर भी 200-300 मीटर लंबी होज पाइप डाल करके उन्होंने डोज ऑफ किया। फिर हमने लाइन दोनों तरफ के जो पोर्शंस हैं पीछे वाला पोर्शन इधर भेजा, आगे वाला पोर्शन ढिया भेजा और फिर जो कोच है उसको ला करके इस लाइन में खड़ा किया और नॉर्मल किसी यात्री को नुकसान क्योंकि उसमें कोई रिजर्वेशन था ही नहीं M9 में, तो खाली एकदम खाली था। कितने ट्रेनों का डाइवर्ट किया गया है? मुझे लगता है 4-5 ट्रेनें डाइवर्ट हुई, इससे ज्यादा नहीं डाइवर्ट हुई। तो परिचालन सामान्य हो गया, एकदम सामान्य हो गया है। इनफैक्ट 2-4 गाड़ियां जो फोरकास्टेड थी डाइवर्जन के लिए वो फिर से नॉर्मल रूट पे जा रही हैं। वहीं घटना के बारे में भोजपुर पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने के पीछे की वजह अंदरूनी शॉर्ट सर्किट है। भोजपुर पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, दिनांक 26 और 27 मार्च की मध्य रात्रि लगभग 1 बजे पुलिस अधीक्षक भोजपुर को सूचना मिली कि 01410 दानापुर से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन की एक एसी कोच में आग लग गई है और ये घटना स्थल गजराजगंज थाना अंतर्गत कारी सात रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पहले है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3-4 थाना अध्यक्ष और बल तथा पुलिस केंद्र से 2 QRT बल तथा फायर ब्रिगेड को तत्काल फोन करके घटनास्थल पर भेजा गया। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी, SDM सदर और चिकित्सा विभाग को भी सूचित कर दिया गया कि अगर कोई घायल है तो अन्य राहत कार्य में त्वरित रिस्पॉन्स किया जाएगा। हालांकि घटनास्थल पर तत्काल थाना अध्यक्ष और सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के द्वारा पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि केवल एक एसी कोच में आग लगा था जिसको अलग कर दिया गया था और इसमें शायद होली पर्व के कारण कोई बुकिंग किसी पब्लिक के द्वारा नहीं किया गया था जिससे कि किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति या कोई घायल नहीं हुआ। घटनास्थल सुनसान जगह होने तथा वहां पर मार्ग से संपर्क नहीं होने के कारण काफी कठिनाई के बाद फायर ब्रिगेड को पुलिस के सहयोग से वहां पर पहुंचाया गया तथा काफी मशक्कत के बाद आग लगी कोच में आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार प्राथमिक अनुसंधान में यात्रियों से पूछताछ में पता चला कि ट्रेन के अंदर एसी बॉगी में किसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। भोजपुर पुलिस लगातार रेलवे पुलिस और रेलवे विभाग के संपर्क में है तथा प्राथमिक जांच में यही मामला सामने आया है कि अंदरूनी शॉर्ट सर्किट से ये घटना घटित हुई है। घटना की और गहराई से जांच में भोजपुर पुलिस, रेलवे पुलिस तथा रेलवे विभाग के साथ लगातार संपर्क में है। फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति अब सामान्य है तथा रेलवे का परिचालन आरंभ हो गया है। बता दें कि रेलवे इन दिनों होली स्पेशल ट्रेनें चला रही है ताकि त्यौहार में यात्रियों को आने जाने में कठिनाई ना हो। इस होली स्पेशल ट्रेन के हादसे के शिकार होने के बाद जांच की बात कही जा रही है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।